चलो भाई चलो चलो सब चलो। तुम्हें एक चीज दिखाओ, वो देखो वो देखो वो देखो। नहीं भाई ऐसा यार, ऐसा यार, ओए ऐसा यार। और इतना वो क्यूट है ना। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? ठीक है। तो आज यार हम अपने इलाके में आए हुए हैं। ये हमारा इलाका खैर नहीं है, हम तो गांव में आए हुए थे। मतलब हमारे गांव से 2 से 2.5 घंटों के बाद ये पॉइंट आता है, इसको कहते हैं कोहे सुलेमान के पहाड़। देख रहे हैं यार कितना पुरसकून इलाका है, और यहाँ पर बहुत ठंडी ठंडी सी आवाज चल रही है। आज ईद का दिन है, हमने सोचा क्या हुआ, पत्थर लगा है यार। यार ध्यान से चलो ना सिपतान, अचानक से ऐसा से चलो। ठीक है। अच्छा वो देखो यार, ऊँट के बच्चे दिखाऊं मैं तुम्हें, मैं ये दिखाने के लिए तुम्हें कह रहा था। और ना ये दूध भी देते होंगे, और इनके मालिक कहाँ है सिपतान? कोई मालिक नहीं, ले जाओ यार ये। ओ यार नहीं कर सिपतान, ये पढ़ भी सकते हैं। हाँ अच्छा 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 पढ़ते हैं यार। फर्स्ट टाइम मैं इतना करीब जा रहा हूँ ऊँट के। यार किन के ऊँट हैं? सिपी आ रहे हैं? नहीं नहीं सीरियसली आ सकते हैं। ऊँट का बच्चा कहाँ है? यार ऊँट का बच्चा बहुत क्यूट वो है, वो देखो घुसा हुआ है अपनी माँ के साथ में। वाह माशाल्लाह। देखते हैं भाई। तो आप असल में ये पहाड़ी ऊंट, ये जंगली भी होते हैं, तो ये इस तरह ही मार सकते हैं। ये इस तरह से देखो, कुछ नहीं कह रहा। तो तुम्हें पता चल गया ना, कुछ नहीं कह रहा। हाँ हाँ खेलना चाहता है, नहीं मारता नहीं मारता। यार फर्स्ट टाइम हाथ लगाया ऐसे पहन मैंने, बहुत मजा आया। तुम तो हाथ लगाओ ना, मुझे तो चैलेंज दिया है, तुमने नहीं लगाना है? डर लगता है। अच्छा चले यार अभी हम यहाँ से चलते हैं। हम थोड़ी टाइम के लिए ना यहाँ पर आए थे, मैंने सोचा है कि ना यहाँ पर फिर खाना वाना खा के फिर चलते हैं। ठीक है सिपी चलो भाई। यार ऐश और फियोना की मुझे बहुत ज्यादा याद आ रही है, और मेरा दिल ये कर रहा था जब हम घर से निकल रहे थे ना, मैंने सोचा था कि ऐश को हम ना लेके जाएंगे अपने गांव में। तो सिपतान ने मुझे मना कर दिया कि यार ऐश की अभी आदत नहीं है सफर करने की। तो सिपतान ने बोला तुराब इसको मिनी जू में ही रहने दो तो अच्छा होगा। तो वहां पर भी दोस्तों एक होटल है खाना खाने के लिए ना, और यहाँ पर भी है, बस छोटे छोटे से होटल है यहाँ पर, बंदा बस मतलब यहाँ पर आराम से खाना शाना खा सकते हैं। तो अभी हम खाना शाना खा के फिर निकलेंगे घर। रेडी हो भाई? यार यहाँ तो बहुत गर्मी है सिपतान। तो यार हम चेंज वेंज करके ना फिर अब जा रहे हैं कहाँ पर, अपनी बकरियों को देख रहे हैं जो हमारी गांव में थी। तो सिपतान क्या लगता है, उसने बच्चे दे दिए होंगे ना? मुझे लगता है दे दिए होंगे, काफी टाइम हो गया। अच्छा मैंने पूछा है दोस्त से कि बच्चे दे दिए, उसने उसने बोला भाई मुझे नहीं पता आके देख लेना। तो मुझे लगता है कि हमारी बकरी ने सिपतान बच्चे दे दिए। चलो मुझे भी ये लगता है, चलते हैं यार देखते हैं। तो अभी दोस्तों हम अपनी बकरियों के पास जा रहे हैं, अपनी गांव वाली बकरियां जो थी ना हमारी यहाँ पर खड़ी हुई हैं, तो चेक करते हैं। यार गाड़ी को आगे कर लो, यहाँ से मैं कैसे घुसूंगा भाई। गर्मी है यार, धूप पर खड़ी हुई इसने इस वजह से। चलो जी अंदर आ जाओ तुराब, आ जाओ आ जाओ यार। हाँ ये है वही तुराब। कौन सा है ये, कौन सा बच्चा है? इधर आ भाई, आपने तो बोला है कोई बच्चा बच्चा नहीं है, ये किसका बच्चा है फिर? किसने बकरी ने? कौन सी वाली? ये हमारी वाली बकरी है ये वाली। यार ये तो कमजोर हो गई, बच्चे दे दिए ना। ये नहीं है, ये नहीं है, कौन सी है? अंदर होगी, अंदर है भाई। ये दिखाओ तो सही, तुराब ही हमारी वाली कह ही है। मैं सही कह रहा था, सही बताओ यार, मैं मजाक समझ रहा हूँ। वही है अपनी बकरी यार, तुराब ये तो बहुत प्यारा है यार। इसका मुंह देखो और आंखें। इसने ना यही वाली, इसको रंग क्यों किया आपने? ये बच्चों ने ईद पे मेहंदी लगाई है। अच्छा ईद पे मेहंदी लगाई है भाई हमारी बकरी को। बस एक बच्चा दिया इसने, नहीं वो वाली भी तो हमारी बकरी है ना। भाई दूसरा भी है बच्चा, दो बच्चे हैं। हाँ जी किधर है, किधर है दूसरा? ये यार पहले अपनी ये किधर है, किधर है? व्हाइट है, कितना प्यारा है। ओहो माशाल्लाह यार बहुत क्यूट है। इसकी कहाँ है माँ, भागे यार इनकी माँ। सिपतान पीछे यार डरा दिए। ये हमारी पहली वो बकरी है सिपतान जिसने अपने बच्चे नहीं गिरा दिए थे। हाँ। ये वो बकरी वही वही वो ये है। अच्छा ये है यार, एक तो एक जैसी सारी, एक जैसे समझ नहीं आ रही क्या हुआ। ये वाली है भाई, ये वाली है, ये खड़ी ये भी हमारी बकरी है व्हाइट वाली, और ये भी नहीं नहीं ये वाली, और एक बाहर गई है। अच्छा बाहर गई है वो है, इन बच्चों को थोड़ा यहाँ पे खड़ा करो।
यार गंजा मुर्गा हमारा नहीं है यहाँ पर, ये खुश है भाई, इधर ही भिजवा दिया था ना, सही है, बोला नहीं था। ये देखो भाई क्यूट है बहुत, इसकी आंखें देख रहे हो। अच्छा, ये बकरी है, ये बकरा है सिपी। अच्छा ये अबलक होते हैं ना, वही वाले है ना, ये देखो ना सिपटैन बहुत क्यूट है, इसकी आंखें सारी ब्लैक है और यहाँ से भी ब्लैक ब्लैक धब्बे हैं, बहुत प्यारी है यार, पैंथर की तरह ब्लैक धब्बे। ये रही, इधर आओ, कितनी हालत बहुत खराब है यार, आपने हमारी इस बकरी की ना केयर मेरे ख्याल में सही नहीं की है, ट्रीटमेंट नहीं की थी पहले यार, बहुत कमजोर हो गई, बहुत हेल्दी थी पहले यार, बच्चे जो देती है ना कमजोर हो जाती है, तो मैं इतना भी नहीं पता, ये भी है वैसे, लेकिन फिर दो तीन हफ्ते में ठीक हो जाती है, लेकिन इसको कितना दिन हुए, 10-12 दिन, पहले बोला 3 दिन, मुझे से छुपाया यार इस बंदे ने। चलो जो भी है यार, हमें खुशी मिल गई है, दोनों ही प्यारे यार, इनके नाम क्या रखे द्राव। चलो भाई आ जाओ तुम ना, अब मिनी जू में जाओगे इंशाल्लाह, मिनी जू नहीं ऊपर फार्म है उसमें लेके जाएंगे, लेकिन मुझे तो आप लगता है अभी टाइम नहीं है इनको लेके जाने का, क्यों क्या हुआ अभी है? अभी तो वो पैदा हुए हैं थोड़ा सा, फिर हमसे फिर क्या होता है, माइलो सुनो की तरह ये भी ना कहीं चले जाए, मर ना जाए यार, डराओ तो ना सिप्टैन, क्यों हो गया, क्योंकि यार हमने माइलो सुनो की केयर तो की थी लेकिन फिर भी तो मर गए थे, अब इनकी जितनी भी केयर करें, कितने छोटे हैं, थोड़े से बड़े हो जाए ना ये, फिर तो आप लेके चलेंगे। चलो यार जैसे तुम कहो, मैं इनको वैसे खोना नहीं चाहता, कुछ हो गया तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा, ऐसा ही है यार, कितने प्यारे माइलो सुनो से भी प्यारे हैं ये। चलो भाई आ जाओ, मैं एक नजर इनको देख लूं, इनका नाम रख के जाएंगे अपने घर में रखे थे, नहीं अभी नहीं रखते इनका नाम, अभी सोचेंगे कमेंट्स पे भी बताएंगे सब के भी इनका क्या नाम होना चाहिए, बाकी दोनों ही प्यारे हैं, बहुत खूबसूरत हैं। चलो भाई अभी अपनी माँ के पास जाओ, तुम दूध पियो, क्यों नहीं पीने दे रही भाई, दूध क्यों नहीं पीने दे रही, चलो बच्चों को दूध पिलाओ, चलो 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 चलो, भाग रही है यार सिप्टैन, ये कैसी माँ है, ये कैसी माँ है भाई, दूध नहीं पिलाती, ये वाली भी हमारी बकरी है ना, इस हाँ इसके बच्चे जो गिरे थे, वो सिम्बा, हाँ सिम्बा यार किधर है, सिम्बा को मोशन लगे थे मर गया, ओए जी सिम्बा मर गया यार, बता इसने मुझे कुछ नहीं बताया सिर्फ, क्या बताता अब उसका, आप सोच करते भी सोचो, हाँ वाकई यार, तो भाई कह रहे हैं यहाँ पर हमारा सिम्बा जो था ना वो मर गया था, क्योंकि बीमार हुआ था, फिर उन्होंने क्या किया था उसके साथ, मोशन हो गया था, अच्छा फिर नहीं बच पाया वो यार, अल्लाह खैर करे यार। चलो यार दो ये तो आ गए ना, ये अच्छी बात है, इनकी केयर करनी है, ठीक है, लेकिन लेकिन अब वापस तो नहीं आ सकता ना, तो माशाल्लाह जैसे हमारे बकरी के बच्चे बहुत ही क्यूट हैं, सरप्राइज मिला हमें, हमें नहीं अंदाजा था कि हमारी बकरी ने बच्चे दिए हैं और वो भी दो, माशाल्लाह, तो खैर बहुत खुशी हुई यार, और बाकी हमारी जो बकरी है ना, एक ये वाली सिम्बा तो बेचारा चला गया, इनको हम बहुत जल्द अपने मिनी जू में लेकर जाएंगे, और फिर हम क्या करेंगे उधर इनको पालेंगे सारा कुछ ना, इनको खाना पीना उधर ही क्या करेंगे, अब मौसम तो ठीक हो गया है और ये बकरी भी हमारी वही है जिसने ना बच्चे गिराए थे, तो ये थी दोस्तों आज की हमारी वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी है तो लाइक लाजमी कर दीजिएगा और हमारे चैनल शहर में देहात को सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा, मिलेंगे इंशाल्लाह कल, अभी के लिए इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज। बच्चों को ये बहुत ज्यादा डिस्टर्ब कर रही है, दूध नहीं पिला रही, क्या वजह होगी ना, हर टाइम थोड़ी ना देती, अच्छा अच्छा यार वो ना वो तुम्हारे जो बकरी के बच्चे थे दूसरी, वो अब ठीक है, ये अब सेल कर दिए वो आपने, वो सारे गए, ये मारती तो नहीं है, नहीं। कैसी हो, इसका बच्चा है? इसका बच्चा ये है भाई, ये गांव में यार यहाँ पल सकते हैं, हमारे मिनी जू में ये नहीं पल सकते यार, ये बेच के ले दी अभी, ये दो ही होती है बस, ओहो गए थी ना, बहुत क्यूट है यार, क्यूट है ना, नहीं अच्छी है यार, कितना शरीफ है, प्यारी है, चलो यार आओ सिप्टैन, चलो यार वो बकरों का घास वगैरह है या हम ले आए आज, हम अपने हाथों तो लेते हैं, ले आते हैं ना, चलो आज नहीं है, खत्म हो, चलो लेने चले यार, चलो आज कास्ट करने, आ जाओ आ जाओ आज।